कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर सपनों का शहर कहने जाने वाला शहर। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की समस्या है, यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल है, यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल है, पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्या मेडिकल कॉलेज का यह सपना सपना ही रह जाएगा? इसी पर हमने मुलाकात ली राजेश वदेरिया जी, जो बहुचर्चित नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। सर, हाल ही में जो है मेडिकल सुविधाओं को और जो वंचित है शहर में सुविधा है उनको लेकर आपने जो है कुछ मांगे की है, कुछ प्रशासन से जो है इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, ऐसी बातें जानना चाहेंगे। किस तरीके की राय है, किस तरीके से जो इससे लाभ हो सकता है शहर के नागरिकों को? ये बात काफ़ी पुरानी है, लगभग 1.5-2 साल पहले जब श्री दीपक सावंत जी उस समय के हेल्थ मिनिस्टर यहाँ आए थे, कामगार हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है उसका भूमि पूजन करने के लिए, तो क्योंकि वो मेरे वार्ड में पड़ता है तो मुझे भी वहाँ बुलाया गया था। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी वगैरह गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे, तो मैंने उनको पत्र देकर एक मांग की थी। वो मांग इस तरह की थी कि सेंट्रल हॉस्पिटल में 200 से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं और 100 बेड कामगार हॉस्पिटल में है और 100 बेड गवर्नमेंट मेटर्निटी हॉस्पिटल उल्लासनगर 4 में है। मिनिमम कैटेगरिया ये है कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 200 बेड की हॉस्पिटल चाहिए। हमारे पास उल्लासनगर में उससे ज़्यादा की सुविधाएं अवेलेबल हैं और सेंट्रल हॉस्पिटल को जिला दर्जे का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं हैं, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्टर नर्स अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर इस तरफ करजत उस तरफ कसारा के ग्रामीण पट्टे से भी सभी लोग यहाँ रेफ़र किए जाते हैं, तो मेरा ये सुझाव था कि ये मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने से वहाँ पर जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई और नर्स के कॉलेज से होने से नर्स की पढ़ाई करने को जो बच्चे आएंगे वो बच्चे पेशेंट की सेवा भी करेंगे, उनका ख्याल भी रखेंगे और अपना जो उनका इंटर्नशिप है वो भी वहाँ करेंगे। और मेडिकल कॉलेज होने से जो बाकी की सुविधाएं हमारे उल्लासनगर वालों को और आजू बाजू के जो रहने वाले हैं इस तरफ करजत उस तरफ कसारा तक उनको भी मिलेगी, तो वो उन्होंने मुझे बोला था कि ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन बाद में उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई, इलेक्शन हो गया और थोड़ी सत्ता का परिवर्तन हो गया, सिस्टम पूरा बदल गया, तो ये आज भी मैं वही मांग रखता हूँ उनके सामने कि मेडिकल कॉलेज का यहाँ दर्जा देना चाहिए और उससे उल्लासनगर की जो गरीब जनता है और उल्लासनगर के आसपास की ग्रामीण इलाकों की, शहरी इलाकों की, अंबरनाथ बदलापुर से लेकर इस तरफ ग्रामीण में करजत कसारा की जनता को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।